ABPS News। सरकार के अनदेखी व गांवों के विकास के लिए स्वीकृत की जाने वाली कम धनराशि के कारण गांव में होने वाली समस्याओं व विकास कार्यों की मांगों को ABPS न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के तहत ABPS न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक गजरोला में स्थित सैमला गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 10 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर है। लगभग 2200 की आबादी व 935 वोटरों द्वारा ममता देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में 114 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 335 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 29 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से 8 हैंडपंपों को वर्तमान प्रधान द्वारा रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 55 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण भी कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 185 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। ABPS न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पंचायत घर, अंबेडकर पार्क, आंगनबाड़ी केंद्र, शमशान घाट का चबूतरा, प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान सैमला से उनका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। जो हमारे ग्राम पंचायत सैमला के अंदर मतलब पानी की निकासी होनी चाहिए वो सही से नहीं हो पा रही है, क्योंकि सारे रास्ते कच्चे पड़े हैं। किस्त जो आती है 14 वित्त की वो बहुत ना के समान आती है, और जो 13 वित्त की है वो 17,000 की, 18,000 की, 11,000 की, इस तरीके से किस्त आती है। इससे क्या हम गाँव की सफाई कर सकेंगे? क्या हम गांव के हैंडपंपों का रिबोर वगैरह करा सकेंगे? क्या गांव के लोगों को पानी की समस्या से निजात दिला पाएंगे? और क्या हम गांव की सोलर लाइट वगैरह लगवा पाएंगे इतने में? और टोटल हमारे गांव की समस्याएं बहुत हैं, सारे रास्ते कच्चे पड़े हैं, इनका हम सही से निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं। गाँव के प्राइमरी स्कूल की समस्या बहुत खस्ता हो रही है, उसका सही से निर्माण नहीं करा पा रहे हैं, उसका सौंदर्यकरण नहीं करा पा रहे हैं। गाँव के अंदर जो हमारे के मतलब आवास आने चाहिए वो आवास एक भी नहीं आया है। कोई हमारे गांव में कम से कम 30-35 लोग ग्राम मतलब प्रधानमंत्री आवास से वंचित हैं, जिनकी बहुत बड़ी समस्या है। और जो गांव में राशन कार्डों की समस्या है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे गांव के अंदर मात्र 114 या 15 राशन कार्ड बने हुए हैं। उससे आगे की मतलब कम से कम 200 परिवार ऐसे हैं जिनको आज तक राशन बिल्कुल नहीं मिला है, और बहुत गरीब हालत में लोग जी रहे हैं, उनको राशन की व्यवस्था कराई जाए। और राशन करते हैं पास हो जाते हैं तो जवाब हम कई बार अधिकारियों के पास भी जाते हैं, वो भी उल्टा सीधा कहते हैं कि अभी कहाँ है, ये है, वेबसाइट बंद है, अभी नहीं चल पा रहा, राशन डीलर परेशान है, गांव के लोग उसे तंग करते हैं, वो बेचारा कहाँ से ला कर दे जब आगे से ही कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। तो इसी प्रकार गाँव में जगह जगह गड्ढे हो पड़े हैं, मिट्टी की समस्या ये पड़ती है, मिट्टी कहाँ से ला कर डालें, और उसके लिए ना इतना पैसा अवेलेबल हो पाता है। तो इस तरीके से हमारे गांव में अधिक से अधिक समस्याएं हैं, जिससे अंबेडकर पार्क का निर्माण करवाना है उसके लिए पैसा होना चाहिए, ग्राम पंचायत भवन नहीं है उसका निर्माण होना चाहिए, ये बहुत सारी समस्या।